सिरसा शहीद उधम सिंह जयंती के उपलक्ष्य में ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति और साहिल विकलांग साहित्यार्थ समिति के संयोजक लोकसभा प्रत्याशी सतीश राज देशवाल ने हर बच्चा बन सकता है जीनियस के तहत 800 स्कूली बच्चों को हजारों लोगों की उपस्थिति में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देशवाल के पुरस्कार समारोह में सोनीपत, जींद, गोहाना, गन्नौर, जुलाना, सफेदो, खरखोदा के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उनकी राजनीति नहीं केवल समाज नीति की विचारधारा को समर्थन देने पहुंचे। मुझे मालूम है कि मुझ में एक इंसान जिंदा है, जमाने में इसी कारण मेरी पहचान जिंदा है, मुझे जीना था जितना अपनी खातिर जी लिया मैं। गंगा जमल दायर को वहां जाकर के गोली मारी थी, ऐसे महान और पवित्र आत्मा का आचरण करें तो मेहर सिंह जी आके समझाते हैं। क्या बात है, तालियों से संबल बढ़ाइए, तालियों से ऊर्जा दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। कमलेश भाई जिंदाबाद। आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इंडिया के अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं, हम सभी के बीच में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और देशवा और ताऊ जी ने हर बच्चा बन सकता है जीनियस के रूप में बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जो टैलेंटेड बच्चे इस टाइप के जो कि टोटली नर्चर हो रहे हैं और एकदम निखर के आ रहे हैं। तो एक किलोमीटर दूर भी पूरे सोनीपत को आवाज सुनाई दीजिए, पूरे हरियाणा को आवाज सुनाई दीजिए। तो आप इतनी तेज एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट समर्पित कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा जोश ऐसा उत्साह हमेशा बनाए रखेंगे तो आपकी मनोकामनाएं आपके नीड वो जरूर पूरी होंगी। हम सब वचन लेते हैं, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, ना ही आसपास होने देंगे। नमस्कार करता हूँ मंच पर बैठी हुई महान शख्सियतों को, मेरे बहुत सारे सरपंच भाई आए हुए हैं, सबको नमन करता हूँ। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरे पीछे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, सबको नमन करता हूँ और सब बच्चों को खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद। हर बच्चा बन सकता है जीनियस, हर एक बच्चे के अंदर कुछ न कुछ खास बात है, खास प्रतिभा है, हमें तराशना उनको और तराश के देश के लिए रत्न बनाना है, तराश के उनको देश के लिए एक हीरा बनाना है, तराश के उनको देश के लिए एक सच्चा नागरिक बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है। इसी कार्य में हम लोग लगे हुए, आप सब लोग भी लगे हुए हो। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम इस मुहिम में 2005 से लगे हुए, 2005 से हमने शुरुआत करी बच्चों के अंदर एक ऊर्जा डालने की, बच्चों का हौसला बढ़ाने की, खासतौर पे हमारे ग्रामीण बच्चों का, खासतौर पे हमारे छोटे कस्बों के बच्चों का। और ये मुहिम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अभी आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंची है। मैं नमन करता हूँ हमारी पूरी टीम को जिन्होंने इसमें पूरी ताकत लगा दी। मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए, सामने राजेंद्र जी बैठे, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी इस मुहिम को बड़ा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान लगा रहे, बच्चों को हौसला बढ़ा रहे, बच्चों को कॉम्पिटिशन दे रहे, बहुत अच्छी बात है। और जब से मैं एक कार्य कर रहा हूँ मैंने देखा है कि हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए बहुत सारा कार्य करने की जरूरत है। हमारे युवा जो बेरोजगार घूमते हैं, कहाँ क्या स्थिति है थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्या स्थिति है हमारी। हम लोग केवल 1% के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में ला ले, केवल 1% जॉब है, 99% को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 99% की कोई पार्टी बात नहीं करती, कोई आगे नहीं करता कि 99% के लिए क्या कार्य करेंगे, कोई बात नहीं करता। हमें उस पे कार्य करने की जरूरत है और हमारे 99% बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए हमारा उद्देश्य है कि हम एक देश के अंदर ये जो भ्रष्ट राजनीति होगी है इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करें, और राजनीति नहीं
समाज नीति करें, समाज को अच्छा बनाने के लिए काम करें, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करें। बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कार्य अंग्रेज करते थे वही राजनीतिक पार्टियां करती हैं, जो कार्य अंग्रेज करते आए वही कार्य इन पार्टियों ने किया, लोगों को बांटने का काम किया, लोगों को तोड़ने का काम किया, इनको जातियों में बांटा, इनको इसके तरह उकसाया और इस तरह से हमारे गांव में भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे हमारे गांव में भी हमारे आपस में जो मेल जोल है उसमें बहुत कमी आई है। मैं कहना चाहता हूँ इनके बड़ोखे में मत आओ, इनके चक्कर में मत आओ, सारे साथ में रहो, मिलजुल के रहो, क्योंकि हमने किसी भी योनि में हम लोग पैदा होते हैं, कोई किसी कास्ट में बहुत पैदा होता है, कोई किसी कास्ट में, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि भगवान ने हमें पैदा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए हमें काम करने की जरूरत है। उन संस्थाओं के को मैं चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि उनके लिए कार्य करें, इस समाज में जोड़ने का काम करें, इस समाज को तोड़ने का कार्य ना करने दें हम, और ये पार्टियों को हम समझा दें कि ये कार्य चलने वाला नहीं है, बहुत झूठ बका लिया, अब बकाने वाला नहीं है। अभी कई दिन पहले की बात है, एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे, एक पोस्ट आई, पोस्ट पे लिखा हुआ था बेरोजगारी है, फलाना है, धकड़ा है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर, मैं सोचना चाहता हूँ जिसने ताकत, जो जिसने जो तीन बार तो मंत्री रह लिया, दो बार पावर में रह लिया और बहुत सारी व्यवस्था बना ली, उसके बावजूद ये लगता है ये समस्या वो समस्या। भाई तुमने क्या करा इतने साल, तुमने क्या करा इतने साल, 20-30 साल तुम पावर में रह लिए, क्या क्या प्रॉब्लम किया, क्या आपने सुधार किया प्रॉब्लम्स का, क्या कार्य किया? मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ, हमारे सोनीपत में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो हाल है, हम चाहते हैं हमारे गांव एक स्वर्ग बने, हमने काम किया इसके लिए। मेरे गांव में खेड़ी दमकन में आप जाके पूछ सकते हो कैसे हमने समितियां बनाई, कैसे बच्चों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया, कैसे रोजगार के लिए आगे बढ़ाया। मेरे गांव में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरी पंचायत बैठी है, 90% बच्चे रोजगार में है, 90%। और मैं चाहता हूँ ये कार्य हमारे पूरे सोनीपत में, जींद में, हर गांव में होना चाहिए, हर गांव में रोजगार होना चाहिए, हर गांव में शिक्षा होनी चाहिए, हर गांव में किसानों के लिए कार्य होना चाहिए। ये काम हम चाहते हैं, इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हम लोग राजनीति नहीं समाज नीति करेंगे। इसीलिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारी उस पुण्य आत्मा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं जिसने यहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड का बदला लेने के लिए 4 देशों का सफर करते हुए वो लंदन में जाके जनरल डायर को गोली मारी थी। क्या ताकत है हमारे बच्चों में, हम लोग अगर सही से काम करें तो वैसा कार्य हो सकता है। मैं नमन करता हूँ उस पुण्य आत्मा को जिसने यहाँ के हत्याकांड का बदला वो लंदन में जाके लिया, चाहता हूँ उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शहीद उत्तम सिंह जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल उनका जन्मदिन है, हम लोग आज ही इकट्ठा हुए हैं, आज एक दिन पहले उनका मना रहे हैं जन्मदिन, उस व्यक्ति को जिन्होंने अपनी अपनी अपने लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए, हम सोचना चाहते हैं क्या कितनी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे देश में अपनी जान लगाई। आप देखते हो किसी भी पार्टी के ऊपर फोटो देखते हो, क्या आपने देखे ऐसे शख्सियतों के ऊपर, जिस भी पार्टी का लोग थोड़ा सोचना दिमाग से कि किसी भी पार्टी ने अपने जिन व्यक्तियों ने अपने देश में जीवन लगाया हो, क्या कोई भी ऐसा करता है क्या? नहीं, सिर्फ अपने परिवारों के लगाते हैं या अपने नेताओं के लगाते हैं या जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त उनके लगाते हैं। कैसे स्थितियां ठीक होंगी? हम लोग ताकत देने वाले लोग हैं और हम ताकत ऐसी जगह दे देते हैं जहां से हमें बिल्कुल एकदम से नेगेटिविटी मिलती है, हमारे बच्चों की कोई सोचता नहीं, कोई भलाई सोचता नहीं। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं, मैं बेसिकली इन सब रैलियों के खिलाफ हूं। अभी आप देखते हो जींद के अंदर, जींद में हर कोई जाके रैली करता है, हर पार्टी वहां के रैली करती है, उस शहर को नरक बना रखा सारण लाख कर, सारी पार्टियों ने कोई उसके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं है कि जींद का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे कार्य होगा। यही हाल हमारे सोनीपत का है, यही हमारे हाल छोटे छोटे हमारे शहरों का है, कस्बों का है, यही हाल हमारे गांव का है। हमें काम करना है,
हमें काम करने के लिए आपकी ताकत चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी मजबूती चाहिए। अगर आपकी मजबूती मिलेगी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग ताकत लगा के इस समाज को बदलने के लिए, इस देश को अच्छा बनाने के लिए और अपने सोनीपत और जींद जिले को पूरे भारत में मैसेज देने के लिए काम करेंगे कि ऐसे कार्य होता है, ऐसे हमारा शहर अच्छा हो सकता है, ऐसे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है, ऐसे हमारे किसान भाइयों की हालत सुधर सकती है। ये तो छोटी बातें हैं, कर्जा माफ होगा, ये होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि कर्जा कुछ माफ नहीं होगा, 20-30-40 हजार रुपए छूट जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए भी इनकम ऑफ सोर्स बढ़े, हमारे रोजगार जो बच्चे घूमते हैं उनको रोजगार का कार्य हो, स्वावलंबन का कार्य हो। और मैं चाहता हूँ कि 1-2 लाख नहीं, वो 3-3-4-4 लाख रुपए महीने में कमाए, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ एक समाज में परिवर्तन के लिए हम काम करें और उसी कोशिश में हम लोग लगे हुए। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है आज की तारीख में। ये सारी पार्टियों ने राज करके देख लिया क्या स्थिति है। आप आईटीआई का हालत देख लो, हमारी आईटीआई में खाली शिक्षा दी जाती है, कुछ लेक्चर दिए जाते हैं, 2 साल में उसको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है कि भाई तेरी आईटीआई पूरी होगी और तू जाके किसी नौकरी ले ले। कहीं नौकरी मिलती है उसको, उस युवा को नौकरी मिलती है? कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो सारी फैक्ट्रियों में जाता है और कोई ये कहता भाई तूने ये सीखा क्या, तेरे को सिखाया गया क्या? लेकिन कहीं सिखाया नहीं जाता। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ध्यान रखना है अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए, उनको रोजगार के लिए हमें काम करना है, हमें एक अच्छी शिक्षा देनी है, हमें एक अच्छा कंपटीशन देना है, हमें अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना जगानी है। साथ ही बताना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है। हम लोगों ने एक शहर बना लिया, जैसे हम लोग बात करते हैं महानगरों की, महानगरों क्या बना दिया, इंडिया क्या बना दिया, क्या बना बच्चों, इंडिया। और गांव में क्या रह गया, भारत। क्या रह गया, तो भारत और इंडिया में कितना फर्क कर दिया इन लोगों ने, देख लो भाई कितना डिफरेंस आ गया है। कैसे चीजें ठीक होंगी, ऐसे लोगों को चुन के भेजो, कोई जरूरी नहीं है सतीश राज देशवाल को चुन के भेजो, किसी ऐसे को चुन के भेजो जो सच्चा हो और अच्छा हो और समाज में परिवर्तन का काम करना चाहता हो और एक दिशा देना चाहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग वो चीज कर पाएंगे जो हमारे कलाम साहब ने सोची है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोची है, जो हमारे पूर्वज जितने भी शहीद भगत सिंह जी ने सोची है, जो चाहेगी हमारा देश कैसा बढ़े, अगर हम लोग करेंगे तो हम एक अच्छा भारत बना पाएंगे, एक बड़ा अच्छा हरियाणा होगा और उसमें सबसे बढ़िया हमारा सोनीपत और जींद जिला होगा। सबसे बढ़िया गारंटी के साथ लिखवा लो कि मैं, अगर आपने थोड़ी सी भी कमी लगे, मैं अपनी जिंदगी अपने अपने जिले पे, अपने दोनों जिलों पे लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ दो तो। अपने दोनों जिलों के लोगों पे लगाने के लिए तैयार हूँ, अपने दोनों जिलों के बच्चों पे लगाने के लिए तैयार हूँ, जिससे हमारे देश के अंदर मैसेज भेजे, हमारे पूरे भारत में मैसेज भेजे कि इस बार सोनीपत और जींद जिलों ने ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा है जिसने पूरे भारत में मैसेज दिया है कि ऐसे समाज नीति होती है, ऐसे काम होते हैं, ऐसे दिशाएं दी जाती हैं, झूठ बकाने से कुछ नहीं होता।